शहर में नमाज ईद उल अज़हा के छोटे बड़े इज्तमा जामिया नईमिया में इलामा रागिब नईमी ने नमाज ईद पढ़ाई। ग्रेटर इकबाल पार्क में इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने नमाज ईद की इमामत करवाई। बाग जना में मौलाना फारूक सदीकी ने नमाज ईद पढ़ाई। नमाज की अदायगी के बाद फरजंदान इस्लाम एक दूसरे को गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। शहर में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी का सिलसिला जारी। जामिया मस्जिद दलगरा चौक ब्रांदत रोड पर मुफ्ती फैसल नईमी ने नमाज ईद पढ़ाई। सेंट्रल पार्क मॉडल टाउन में नमाज ईद उल अज़हा का बड़ा इज्तमा। कारी हाफिज मोहम्मद रफीक नमाज ईद पढ़ा रहे हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद, सैफुल रहमान और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। मियाँ आमिर महमूद नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों से गले मिले और मुबारकबाद दी। बड़ी ईद के बड़े इंतजामात। ईद उल अज़हा पर खसूसी सिक्योरिटी प्लान तश्कील। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नमाज ईद की सिक्योरिटी के लिए 6 SPs, 83 SHOs और हज़ारों अहलकार तैनात। CCPO लाहौर बिलाल सदीक एमियाना का कहना था नमाजियों की सिक्योरिटी के लिए मसाजिद और ईदगाहों के बाहर मेटल डिटेक्टर्स और वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए जाएंगे। डॉल्फिन स्क्वाड, पीरू और अली टीमें इबादत गाहों और हसास मकामात के एतराफ़ पर पेट्रोलिंग करेंगी। शहरियों की जान और माल का तहफ़ यकीनी बनाया जाएगा। ईद उल अज़हा के मौके पर छुड़ियों के साथ किसाबों के रेट भी तेज़। दिहाड़ीदार, अनारी और मौसमी किसाई भी जानवर ज़बह करके अपनी ईद बनाएंगे। बकरा 6 से 8 हज़ार, गाय 30 से 35 हज़ार जबकि ऊंट 40 हज़ार रुपये तक में ज़बह किया जाएगा। छुड़ी चाकू तेज़ करने वालों ने भी दाम बढ़ा दिए। छुड़ी के 70 और टूका तेज़ करने के 120 रुपये वसूल करने लगे। कुछ देर का मेहमान बन गया बच्चों की जान। कुर्बानी के जानवरों के साथ बच्चों का खास लगाव। बच्चे अपने पसंदीदा जानवरों के साथ अथकेलियां करने लगे। बच्चे जानवरों की आवभगत करने में मसरूफ। कोई चारा खिलाने तो कोई ठंडा पानी पिलाने लगा। और कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। DC राफे हैदर, CEO LWMC बाबर साहब दीन, चेयरमैन मलिक बिलाल, जुल्फिकार खोकर और तमाम डिप्टी CEOs की शिरकत। कमिश्नर लाहौर ने आरजी डंपिंग साइट से मुस्तकिल डंपिंग साइट्स तक आलाइशों को पहुंचाने की ऑपरेशन प्लान का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर बोले बाशऊर शहरी सफाई मिशन में इंतजामिया का साथ है।